यदि आप मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर के शहर के पास रहते हैं या फिर मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में घूमना जाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि वहाँ पर कौन कौन सी जगह हैं घूमने लायक। वैसे ओमकारेश्वर को हिंदू धर्म के सबसे पवित्र जगहों में से एक, शहरों में से एक माना जाता है, जहाँ पर कई चीज़ें देखने लायक हैं। ये शहर नर्मदा और कावेरी नदी के संगम के पास बसा हुआ है। इसमें कौन कौन से घूमने लायक, देखने लायक जगह हैं, उन सभी के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आइए जानते हैं नंबर वन से। नंबर वन, पेशावर घाट। ये घाट नर्मदा नदी का ओमकारेश्वर के पास पहाड़ियों के बीच में काफ़ी सुंदर जगहों में स्थित है, जहाँ पर रात में ये जगह काफ़ी सुंदर लगती है, क्योंकि ये घाट ओमकारेश्वर बस स्टैंड से मात्र 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस घाट के पास नर्मदा और कावेरी नदी का संगम भी होता है। नंबर टू, केदारेश्वर टेम्पल। ये मंदिर भगवान केदार यानी शिव का मंदिर है, जो कि मेन ओमकारेश्वर से मात्र 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ये मंदिर 11वीं शताब्दी पुराना बताया जाता है, जिसकी टाइमिंग सुबह 5 बजे से लेकर शाम को 9:30 बजे तक है, और ये बस स्टैंड से मात्र 700 मीटर की दूरी पर स्थित है। ममलेश्वर टेम्पल। इस मंदिर को अमरेश्वर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक एंशियंट इंडियन आर्किटेक्चर डिजाइंड मंदिर है, जहाँ पर लगभग 1000 शिवलिंग देखने के लिए मिल जाएंगे। इस मंदिर की टाइमिंग सुबह 5:30 बजे से लेकर शाम को 9 बजे तक है, और ये जगह बस स्टैंड से मात्र 1.9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नंबर फोर, पनासे घाट। ओमकारेश्वर में नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित ये घाट एक ब्यूटीफुल घाट है, जहाँ पर लाखों लोग आया करते हैं, जैसे कि होली, दिवाली और पूर्णिमा जैसे इवेंट्स पे, यानी त्यौहार पे, उस समय पर लोग सबसे ज़्यादा आया करते हैं, जो कि बस स्टैंड से मात्र 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। 5, श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग टेम्पल। ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, जो कि ओमकारेश्वर में कावेरी और नर्मदा नदी के पास स्थित है। ये मंदिर नगारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में डिजाइन किया गया है, जिसकी विजिट करने की टाइमिंग सुबह 5 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक है। नंबर सिक्स, मदहटा टेम्पल। ये मंदिर मदहटा आइलैंड पर स्थित है, जहाँ पर लाखों लोग आया करते हैं। ये मंदिर ओमकारेश्वर में उज्जैन, जैन, खंडवा और इंदौर जैसे शहरों से कनेक्टेड है। इस मंदिर की टाइमिंग सुबह 5 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक है। नंबर सेवन, सिद्धनाथ टेम्पल। ओमकारेश्वर का ये मंदिर आर्किटेक्चर ब्यूटी से समृद्ध है। ये प्राचीन स्ट्रक्चर भी मदहटा आइलैंड पर स्थित है, जो कि इस मंदिर को महमूद गजनी ने भी कई बार डिस्ट्रॉय किया था। इसकी टाइमिंग सुबह 6 बजे से लेकर रात में 8 बजे तक है। नंबर एट, गौरी सोमनाथ टेम्पल। ये मंदिर खजुराहो काल का माना जाता है, जो कि 6 फीट ऊंचा, यहाँ पर शिवलिंग भी स्थापित है, जो कि इसकी विजिट करने की टाइमिंग सुबह 5 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक है। नंबर नाइन, काजल रानी केव। ये एक पॉपुलर पिकनिक एंड टूरिस्ट स्पॉट है, जो कि मात्र 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ये सीनिक ब्यूटी के लिए प्रसिद्ध है। इस केव को विजिट करने की टाइमिंग 9 बजे से लेकर दोपहर में 2 बजे तक है, और बाकी यहाँ पर आप घूम सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।